राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के स्टूडियो में बिहार अमीन के बारे में बात करने वाले हैं। बिहार अमीन अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है एवं कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं स्टूडियो में, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर, आज का हेडलाइन देख लीजिए। सबसे पहले तारीख पे तारीख महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं, पहले भी ऐसा हो चुका है, नौकरी पक्की पर भी बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले कमेंट देख लीजिए, तो ये कमेंट उस समय का है जिस समय बताए हुए थे कि परीक्षा या फिर रिजल्ट के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, विज्ञापन रद्द या फिर जो ये बहाली है, तो इस पर बताए थे। तो इस पर इस टाइप का कमेंट आप लोग देख सकते हैं और इनके कहने का मतलब बता देते हैं कि यहाँ पर परीक्षा होकर ही रद्द हुआ है, अर्थात अमीन का जो है वो परीक्षा होकर ही रद्द हुआ है। जबकि कहने का मतलब यह है कि सिटी मैनेजर में ऐसा हुआ है कि सीबीटी और उसका मतलब कोई परीक्षा और उसके बाद डीबी, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो ये सब के बाद रद्द हुआ है। और इसके साथ साथ 2200 फी की भी बात की गई है। तो अब आगे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो हुआ है वो बोर्ड और आप लोग समझ सकते हैं विभाग द्वारा जहाँ तक जानकारी प्राप्त हुई है। अब आगे बात कर लेते हैं, जबकि इसमें ऐसा बात नहीं है इसीलिए उम्मीद ज़्यादा है। इसमें बिहार अमीन की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं, सरकार या फिर विभाग की बात करें तो साथ इसलिए लिखे हैं, आप लोग टाइप किए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं न्यूज़ के अनुसार। तो यही बातें पहले भी बता चुके हैं कि मंत्री जी जैसे बोले हैं कि अभी पूरी तरह से नहीं हारे हैं, या फिर बिहार अमीन बहाली मामले में कानून विशेषज्ञों की राय ले रही है सरकार, विधिक राय ले रही है विभाग, तो ये सब विभाग जो ले रही है विधिक राय, तो ये सब पहले भी बता चुके हैं, तो इससे स्पष्ट होता है। तो आप लोग कहते हैं कि इसके बारे में अपडेट नहीं दिया जाता है, तो हो सकता है अपडेट वहाँ पर दिया जाए, कोर्ट में दिया जाए, न्यायालय में दिया जाए, हो सकता है हाई कोर्ट में दिया जाए, और ऐसे में जो अपडेट आप लोग को नहीं देखने को मिलता है तो ये भी हो सकता है। इसीलिए उम्मीद कायम रखना चाहिए और आगे भी बात करने वाले हैं अपने स्तर से आप क्या प्रयास कर सकते हैं जिससे अधिक से अधिक संभावना बने। तो आगे देख लीजिए आप लोग, तो इसी कारण से बताएं कि उम्मीद कायम रखना चाहिए, उसमें अलग मामला है सिटी मैनेजर में और इसमें अलग मामला है, तो यही बात है। अब आगे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर कि बहाली होगा जैसे कि पूछा जा रहा है, तो उम्मीद तो बताए हैं कि रखना ही चाहिए। अब आगे बात कर लेते हैं तारीख पे तारीख, जैसे कि पहले भी बात किए हैं रिट याचिका के बारे में 93 पर, उसके बाद 109 पर, उसके बाद 126, धीरे धीरे बढ़ता चला गया, जबकि घटना चाहिए। तो ऐसे में कहा जा सकता है तारीख पे तारीख, और ये भी समझ सकते हैं समय लगता है बात करें तो, ऐसे में जो भी बहाली का इंतज़ार कर रहे हैं तो ऐसे में इंतज़ार करना ही होगा। अब आगे देख लीजिए, तो ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थियों का इंतज़ार है और देख भी सकते हैं आप लोग कमेंट से भी, ये भी कमेंट देख सकते हैं। अब आगे देख लीजिए, नौकरी पक्की पर बात करें तो जैसा कि अभी ही स्पष्ट कर दिए हैं, यदि सरकार की बात करें, विभाग की बात करें, जैसा स्पष्ट किया गया है जो राय के बारे में, कानून विशेषज्ञों की राय या फिर विधिक राय, तो ये सब ऐसा कुछ होता है तो ऐसे में लगता है नौकरी पक्की ही है कहा जा सकता है। ऐसे में आप लोग भी कुछ कर सकते हैं, जैसे कि देखा भी गया विशेष पहल की मांग, तो ये सब आप लोग को करना भी चाहिए। अब आगे देख लीजिए, सही प्लानिंग होना चाहिए और एप्लीकेशन की बात करें तो वो भी आप लोग दे सकते हैं, बराबर कुछ समय के बाद आप लोग दे सकते हैं, अपर मुख्य सचिव जी विभाग के या फिर मंत्री जी को भी दे सकते हैं, जिससे आप लोग के लिए अच्छा ही रहेगा। अब आगे देख लीजिए, और इसके अलावा ट्वीट का भी आयोजन कर सकते हैं, और आगे आप लोग ये देख सकते हैं, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए, इस पर बात कर चुके हैं, तो इतना भी आप लोग को ध्यान रखना होगा। नीचे आप लोग नीचे तक देख लीजिए, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और इसके अलावा आप लोग ये देख सकते हैं, आप लोग को इन बातों पर भी
डिपेंड करता है सभी बातें, तो ये भी देख सकते हैं। यही तीन बात हैं जिसके बारे में पहले भी बता दिए हैं, और ये भी आप लोग इसके बारे में जानते हैं, इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब कुछ अन्य जानकारी देखेंगे। और ये भी आप लोग जानते हैं कि तकनीकी योग्यता की बातें हैं, तो इस पर अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। अब आगे देख लीजिए, 721 पोस्ट की बात करें तो वहाँ पर देखा गया तीन ही अंतिम रूप से चयन हो पाया था। और आप लोग ये देख सकते हैं उस समय में अमानत की डिग्री और ITI से सर्वेयर था, ITI से प्रशिक्षण की बात थी। अब आगे देख लीजिए, तो ये हो सकता है, इस पर पहले भी बात कर चुके हैं कि ट्रेनिंग बाद में भी कराया जा सकता है, तो आप लोग ये भी कमेंट पढ़ सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कुछ अन्य जानकारी पर, तो आप लोग ये भी देख सकते हैं BSSC की बात करें तो 13 विभागों से 2649 रिक्ति अब तक आ चुकी है। तो ऐसे में इंटर लेवल की बात करें तो इंटर लेवल का भी विज्ञापन जारी हो सकता है अगले साल, और कुछ विभाग से और भी रिक्ति आएंगे। यदि आवेदन की बात करें कि 40,000 से आप लोग देख सकते हैं कम होता है तो प्री और आगे की प्रक्रिया होगी, और 40,000 से अधिक आवेदन होते हैं तो प्री भी होगा और मेंस भी होगा, उसके अलावा आगे की प्रक्रिया भी होगी। तो ज़्यादा उम्मीद रखें कि 40,000 से अधिक ही आवेदन होंगे, इंटर लेवल की बात हो रही है, BSSC की बात कर रहे हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग, तो आप लोग समझ सकते हैं। अब आगे देख लीजिए, सबसे ज़्यादा वैकेंसी की बात करें इंटर लेवल में तो नगर विकास एवं आवास विभाग से आप लोग को देखने को मिल सकता है, और इसके अलावा जो ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं तो उन लोगों के लिए भी CGL है, BSSC का ग्रेजुएशन लेवल पर भी है, तो ये भी आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। लगभग 2000 पद इधर ग्रेजुएशन लेवल पर और इधर 2500 से अधिक पद इंटर लेवल पर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो आप लोग ये भी देख सकते हैं बिहार पुलिस SI, तो ये सब हैं। दारोगा की बात करें तो इसमें भी आप लोग को देखने को मिल सकता है दारोगा में, तो ये देख लीजिए। बिहार पुलिस की बात करें तो बिहार पुलिस में 2698 पद सृजित हैं, और आप लोग देख लीजिए बटालियन का, सुरक्षा बटालियन का, तो ये भी देखने को मिल सकते हैं इतने पद। इसके अलावा आप लोग पढ़ लिए होंगे, पढ़ लीजिए, तो ये भी वैकेंसी आ सकती है नए साल में। अब आगे देख लेते हैं, इधर ये है कि CSBC का ये है, कांस्टेबल का है बिहार पुलिस, तो बिहार पुलिस में 365 पर अप्लाई हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं जाकर। अब आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर CGL की। हाँ, यदि आप लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो CGL का भी विज्ञापन जारी हो चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की तिथि आप लोग देख लीजिए, तो देख लिए होंगे आवेदन की तिथि। सभी जानकारी आप लोग पढ़ सकते हैं। चयन प्रक्रिया भी आप लोग देख सकते हैं। पैटर्न भी देख सकते हैं। ये सब
आ चुका है, तो ये सब हो चुका है, लगभग फाइनल होने पर है, तो इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हाँ, ये आपको देखने को मिल सकता है, आप लोग देख रहे होंगे। तो यही है सिमुलतल्ला आवासीय स्कूल के लिए 127 पोस्ट का सृजन, तो ये आप लोग को देखने को मिल सकता है, जिसमें 62 बात करें तो टीचर के हैं और इसके अलावा 63 स्टाफ के हैं, तो ये पद आप लोग को देखने को मिल सकता है। आगे बात करेंगे शैक्षणिक योग्यता के बारे में जब विज्ञापन जारी होगा। अब आगे देख लीजिए, ये अनुभव वाले के लिए हैं 40,518 प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर के पद हैं, तो ये सब हैं अनुभव वाले शिक्षक के लिए हैं, तो इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इसके अलावा आप लोग ये भी देख सकते हैं, ये फिजिकल टीचर के लिए हैं, तो इसमें भी फिजिकल टीचर का योग्यता होना चाहिए और इसमें STET 2019 क्वालिफाइड होने चाहिए फिजिकल टीचर में, तो ये भी आप लोग के लिए नहीं भी हो सकता है, यदि है तो आप लोग के लिए अच्छी बात है। इसके अलावा ये भी पद हैं, तो ये देखने को मिल सकता है, विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के पद, और इसके अलावा पुस्तकालय अध्यक्ष के भी पद आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। 6421 विद्यालय सहायक के पद आ सकते हैं, और इसके अलावा बात करें तो इसके लिए कंप्यूटर योग्यता चाहिए और 6 महीने का कंप्यूटर डिप्लोमा अनिवार्य है। अब आगे बात कर लेते हैं, तो ये सब आप लोग देख रहे होंगे, इस पर बात करें तो BTSC, तो इसका JEE का लगभग फाइनल होने पर है, और ये भी आप लोग देख सकते हैं, तो ये भी आप लोग देख लिए होंगे आयुष डॉक्टर का, तो ये सब लगभग हो चुका है और ये सब नया नहीं है। और इसके अलावा कृषि विभाग में भी पद हैं, और ये भी पद BRDS में भी, तो इस पर अभी नहीं कुछ कह सकते हैं, जब विज्ञापन जारी होगा BRDS का तो आगे बात करेंगे। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कृषि विभाग में भी पद, तो ये सब का विज्ञापन जारी होने पर बात करेंगे। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को। तो बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।